एसएस भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया, उनके जो राजनीतिक आकर है प्रधानमंत्री जी अमित शाह, उसका कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे बोलते रहो और जाकर के धमकाने लगते। कई जगह तो उनके कार्यकर्ता डर गए हैं, मंच पर इतने जोर जोर से धमकाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है धमका किसको रहे हैं, धमकी में लेना चाहते हैं, मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं लोकतंत्र में, राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं दोनों। मुलायम सिंह जी की पार्टी अखिलेश यादव बिजली पानी सड़क और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से विफल हैं। बहन बेटियों की आबरू के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसमें जो अपराधी हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। जवाहरबाग जैसा कांड हुआ, 300 एकड़ जमीन पर राम वृक्ष जहरीला वृक्ष बन गया, बिजली क्यों नहीं आती है, पानी क्यों नहीं मिलता है, किसान के खेत को पानी नहीं है, लगातार बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रही। इन मुद्दों पर अखिलेश जी की सरकार के पास, अखिलेश जी की पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब जवाब नहीं होता है तो आप इस तरह के बयान देते हैं जो बहुत अनुचित हैं और बहुत निचले स्तर के हैं। हम नहीं मानते कि जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है। इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं, ये जनता ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं को करारा जवाब ईवीएम पर बटन दबाकर देगी। समाजवादी पार्टी बौखलाहट में मर्यादा का त्याग ना करें। आतंकवादियों को छोड़ने वाले माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब आदेश दिया गया तब रोका गया, और वह भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में, उसके हमारे अध्यक्ष के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो उसको मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता दे चुकी है 2014 में, 2017 में ऐसा उत्तर मिलने जा रहा है जिसकी कल्पना उनको नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज साइकिल की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी तूफान का रूप धारण कर रहा है और हम बड़ी विजय की ओर बढ़ रहे हैं। सपा का संस्कार यही है, जिन्हें मर्यादा का ज्ञान नहीं रहता उनको क्या बोलना चाहिए। अगर बौखलाहट भी इसका ज्ञान नहीं है तो पहले अध्ययन करें, तब वो सार्वजनिक रूप से टिप्पणी किया करें।